गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस गांवनगर। गाइस आज हम नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है क्लास 6 का, इस पर वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग ओवरव्यू देखेंगे जेएनवीएसटी, दैट मींस व्हाट, स्वाहा नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। अभी 2023 में क्लास 6 का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे क्या है ये और इसका प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन कितने होते हैं, कितने मार्क्स का पूछे जाते हैं और टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले जो नवोदय विद्यालय है उसमें क्लास 6 के बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है और इसके आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। तो गाइस हम लोग जानेंगे कि इसका डेट जो एग्जामिनेशन का है वो कब है, क्योंकि ऑलरेडी फिलअप जो फॉर्म होता है वो हो चुका है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे एग्जाम कब है। तो एग्जाम आपका 30 अप्रैल को है, 30 अप्रैल को है और हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो गाइस आप देख रहे हैं कि हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये 40 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का होता है। एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट 40 क्वेश्चन होते हैं और ये 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक भी आपका क्या होता है, 25 का होता है। अर्थमेटिक क्या होता है, 25 का होता है। और यहाँ पर लैंग्वेज आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाता है, अर्थमेटिक में भी 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज में भी 20 क्वेश्चन और यहाँ पर ए भी 25 मार्क्स का, यानी टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और समय आपको 2 आवर मिलता है, समय 2 घंटे मिलते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत जिस पे करना है वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी दैट मींस आप रीजनिंग बोल सकते हैं, अगर जिस बच्चे का रीजनिंग बहुत बेहतर है तो उम्मीद करते हैं कि वो लैंग्वेज से लगभग वो नंबर ला लेगा। और मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, अगर वो बच्चा 6-5 का स्टडी कर लेते हैं सिलेबस को तो उसका अर्थमेटिक भी ठीक हो जाता है। इसमें पैसेज पूछे जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पूछे जाते हैं। ऐसे हम लोग डिटेल वे में हर एक टॉपिक को रेगुलर वे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नवोदय का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं उनके लिए दिन रात करके वीडियो अपलोड करूंगा ताकि उनका सिलेक्शन पक्का हो इसका। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पैटर्न है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वो क्या है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में हमारा लगभग 8 टॉपिक पूछे जाते हैं जिसमें ऑड मैन आउट होता है, मतलब कि जो एकदम ऑड होता है, जैसे मान लो कि चींटी, मैना, तोता और कौवा और एक उसने गिद्ध दे दिया या लोमड़ी दे दिया तो सबसे आपको डिफरेंट, ठीक इसी तरह से ऑड इसमें चुनना होता है। खैर एक पिक्चर वाला होता है ऑड, इसमें डिफरेंट पिक्चर क्या है। नेक्स्ट है हमारा फिगर मैचिंग, फिगर को यहाँ पर दे देगा इस तरह से, मान लेते हैं ऐसा दे दिया और यहाँ पर ऐसा करके दे दिया, ठीक है, और आपको इसमें सेम ऐसा ही पिक्चर ढूंढना है, इसको बोलते हैं फिगर मैचिंग। इसके बाद है पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन भी मैं एक एक करके सभी पे आऊंगा। फिगर सीरीज कंप्लीशन ये भी कुछ क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलता है, 4 से 5 क्वेश्चन। एनालॉजी ए तो इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मिरर इमेजिंग, मिरर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको सामने मिरर दे दिया और यहाँ पर कुछ देगा लिख करके, एम्बुलेंस। अब इसका अपोजिट मिरर में क्या बनता है, जैसे हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे इस पर। अभी ओनली हम पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे। नेक्स्ट है स्पेस विजुअलाइजेशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पंच होल्ड पैटर्न, इससे भी आपका क्वेश्चन भर के आते हैं। तो ये हमारा कुछ था क्या, रीजनिंग का टॉपिक जो कि कितना 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 नंबर का होता है। तो ये अगर आप कमांड कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको जेएनवीएसटी
टेस्ट को क्वालिफाई करने में आपको कोई रोकेगा ना, नवोदय विद्यालय में पक्का सिलेक्शन होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो गाइस हम लोग देख रहे थे अर्थमेटिक में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो आता है वो एलसीएम और एचसीएम से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन मिलता है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नवोदय विद्यालय में। इसके बाद है फंडामेंटल ऑपरेशन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है डेसिमल का कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल्स जो कि ऑलरेडी फिफ्थ क्लास में पढ़ना था, उन सारे चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इससे ए से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नेक्स्ट सिक्स क्लास का सिलेबस है। तो आपको सिक्स का अगर सिलेबस थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं तो आपका ये टेस्ट इजीली वे में निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ए सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। पेरीमीटर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एरिया भी निकालने को कभी कभी आ जाता है, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना हो जाता है। तो पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों से भी क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फ्रैक्शन इससे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको इन सारे टॉपिक मैथ्स में स्टडी कर लेना है। अगर आप इन सारे टॉपिक पर बहुत अच्छी कमांड कर लेते हैं तो ए इन टॉपिक से आपको 20 क्वेश्चन निकल करके आते हैं, 20 तो क्वेश्चन आएंगे। और ए कितने मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का। और अगर इन 25 मार्क्स को आप कर लेते हैं तो आपको JNVST टेस्ट को क्वालिफाई करने में कोई रोक नहीं सकता, आप नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट बन जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, लैंग्वेज की। लैंग्वेज मोर देन 25 है और आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट किए हैं आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश लिए हैं, हिंदी लिए, कोई भी लैंग्वेज लिए हैं, तो उनसे पैसेज ही पूछता है और पैसेज पढ़कर उससे आंसर निकालना होता है, पढ़कर उससे फाइंड आउट करना होता है, वो पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। ऐसे में प्रीवियस ईयर सेट अपने चैनल पर करवाऊंगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि मैं नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट बनूं, मेरी सिलेक्शन हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम लोग जल्द ही रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की क्वेश्चन को देखेंगे, और इस चैनल पर आपको जोर शोर से तैयारी करवाई जाएगी और आपका सीट पक्का करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। थैंक यू।